बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है चिकन वाइट कोरमा। आसान रेसिपी चिकन वाइट कोरमा के जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। खड़े मसाले में मैंने लिए है 6 से 7 लौंग, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। मैं इसको ऑयल के अंदर डाल दूंगी और इसे थोड़ा सा फ्राई करूंगी। दो मीडियम साइज प्याज लिए, उनका पेस्ट मैंने बनाया और अब मैं इसके अंदर पेस्ट ऐड कर दूंगी। चार से पाँच मिनट के लिए मैं इसे फ्राई करूंगी। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। और इसे अच्छे से फ्राई करूंगी। 1.5 kg चिकन लिया है, अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। आठ से दस मिनट के लिए मैं इसे फ्राई करूंगी। चिकन फ्राई करने के बाद मैं इसको ढाम के ही पका लूंगी ताकि हमारा चिकन अच्छे से पक जाए। अब मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून साल्ट एंड 1 टेबल स्पून व्हाइट पेपर डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हाफ कप मैं इसके अंदर दही डालूंगी और इसे कुछ देर के लिए पकने दूंगी। जब तक दही का पानी खुश्क नहीं होता तब तक मैं इसे पकने दूंगी। दही का पानी खुश्क होने तक मैं इसको ढांप के पका लूंगी। अब मैं इसका दम उतार लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर बादाम और काजू का पेस्ट मैंने बनाया है वो ऐड कर दूँ। 20 मैंने काजू लिए हैं और 15 से 20 ही मैंने बादाम लिए हैं। आप इनकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं क्योंकि मैंने चिकन ज़्यादा लिया है, इसके अकॉर्डिंग मैंने इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा ली है। चिकन अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसके अंदर 250 ml फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। फ्लेम मैंने लो कर दिया है क्योंकि हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि क्रीम की चिकन पे अच्छे से कोटिंग हो जाए। इसके अंदर 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूंगी गार्निश के लिए। इसे लो फ्लेम पे पकने दूंगी, ढांक दूंगी अब इसे ताकि अच्छे से क्रीम भी पक जाए। वन टेबल स्पून इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी और हमारा वाइट कोरमा रेडी है। फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब मैं इसे डिश ऑफ कर दूंगी। चिकन वाइट कोरमा तैयार है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे अपना फीडबैक भी दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।